एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट डेजर्ट, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जिसे घर में सब लोग खाना बहुत पसंद करेंगे। कोई भी उससे नाराज नहीं होगा या ये क्या बना दिया या ये क्या नहीं बनाया, क्योंकि चॉकलेट तो सब लोग खाते हैं, बच्चे हो या बड़े। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चॉकलेट डेजर्ट बनाना। तो दोस्तों, चॉकलेट मूस बनाने के लिए मुझे यहाँ पे जो चाहिए वो है मेरे पास 1 कप दूध। आप इसे चॉकलेट मूस भी कह सकते हैं, वरना आप इसे चॉकलेट डेजर्ट भी कह सकते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दूध। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने मेजरिंग कप से 1 कप दूध लिया है यहाँ पर, और इसको हम डालेंगे एक पैन के अंदर। तो मैं दूध को डालूंगी इस पैन के अंदर। पैन ऑलरेडी गर्म है और इस दूध को कर लेंगे हम गरम। ये देखिए, 1 कप दूध मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। इस दूध को मैं थोड़ा सा गरम कर लूंगी अच्छे से। तो मेरा दूध यहाँ पे हल्का हल्का गरम हो रहा है, और जब दोस्तों आप इसे ट्राई करोगे ना अपने घर में, तो आपको इसे खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। इस रेसिपी को जब आप ट्राई करोगे, बड़ा ही अच्छा डेजर्ट है ये खाने के लिए, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और दूध को गर्म कर लेते हैं हम। तो दूध यहाँ पे गर्म हो चुका है, देखिए इस पे परत भी आ गई है। और अब क्या करेंगे ना दोस्तों, मैं एक चम्मच की मदद से यहाँ से थोड़ा सा गर्म दूध ले लूंगी। ये मैं ले लूंगी 2 चम्मच दूध। और उसके बाद क्या करेंगे ना दोस्तों, हम इस गर्म दूध के अंदर जो मैंने यहाँ पे ये दूध लिया है, तो ये मुझे अभी थोड़ा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और ले लेती हूँ। तो ये दूध मैंने ले लिया है, मैंने ये गर्म दूध लिया है, और अब मैं क्या करूंगी दोस्तों, इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर को मैं इस गरम दूध के अंदर अच्छे से घोल लूंगी, और आप भी इसे अच्छे से घोल लें। अगर आप क्या करोगे ना, अगर आप गरम दूध में जो पैन में दूध है उसके अंदर डायरेक्ट कॉर्नफ्लावर डाल दोगे ना, तो गुठलियां बन जाएंगी, जिसे आप खोल नहीं पाओगे कभी भी। इसीलिए मैंने इसे इस गरम दूध में अच्छे से घोल लिया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सा देर के लिए छोड़ दूंगी, और अब मैं इस दूध के अंदर ऐड करूंगी चीनी। तो मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून चीनी। नॉर्मल शक्कर यूज कर रही हूँ, जो हम चाय बनाने के लिए यूज करते हैं ना, वो वाली चीनी मैंने यहाँ पे यूज करी है। और इस चीनी को भी इसके अंदर अच्छे से घोल लेंगे। दूध तो ऑलरेडी गर्म ही है, चीनी बड़ी ही जल्दी घुल जाएगी। तो एक बार चीनी घुल जाए, तो यहाँ पे देखिए चीनी मेरी घुल गई है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी कॉफी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून कॉफी लिया था, जिसे मैंने गर्म पानी में घोल लिया था, उसको मैं ऐड करूंगी इसके अंदर, और इसको चलाएंगे। जब आप चॉकलेट डेजर्ट बनाओगे ना, तो उसमें जब ये कॉफी ऐड करोगे ना, एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका, बड़ा ही अलग सा मजेदार फ्लेवर होता है कॉफी और चॉकलेट का। तो मैंने यहाँ पे कॉफी ऐड कर दिया है, और अब इसे थोड़ी देर अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी कॉफी भी अच्छे से घुल गई है। अगर आपको कॉफी का फ्लेवर पसंद ना हो, अगर आप चाहते हो कि मैं कॉफी अवॉइड कर दूं और इसमें कलर भी लाना है, तो आप इसकी जगह इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर सकते हो, जिससे बड़ा ही अच्छा कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी एकदम चॉकलेटी आ जाएगा। पर मेरे को यहाँ पे कॉफी और चॉकलेट का फ्लेवर ज्यादा पसंद है, इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉफी ऐड करा है। तो कॉफी भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था ना हमने, उसको, और इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इस घोल को मिलाओगे ना, जो दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। तो इसको हम चलाते रहेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता,
सारे किनारों से छुड़ाते छुड़ाते इसे अच्छे से चलाते रहें। तो देखिए ये जो दूध है ना, ये अच्छे से यहाँ पे जल चुका है और ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। मैं इसे ज्यादा गाढ़ा नहीं करूंगी, अभी देखिए थोड़ा रनी रनी है। आप इसे जब ठंडा करेंगे ना तो ये और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपको इसी स्टेज पे से छोड़ना है, इस स्टेज पे जब ये थोड़ा रनी रनी हो। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी फ्लेम को ऑफ, और अब फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कुछ चॉकलेट के पीसेस। मैंने यहाँ पे नॉर्मल डेयरी मिल्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ, उसके मैंने यहाँ पे 3 पीस ऐड करे। ये देखिए, आप चाहो तो डार्क चॉकलेट भी यूज कर सकते हो, कुकिंग चॉकलेट जो होती है उसे यूज कर सकते हो, पर चॉकलेट जब ही डालें जब आप फ्लेम को ऑफ कर दो, क्योंकि जितना ये गर्म है इसमें चॉकलेट अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो चॉकलेट को हम मेल्ट कर लेते हैं इसमें, और अब देखिए मेरी चॉकलेट इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें जो कॉफी और जो चॉकलेट का कॉम्बिनेशन है ना दोस्तों, उसे खाने में बहुत मजा आने वाला है। तो ये तो हो गया, मेरा एक प्रोसेस पूरा हो गया यहाँ पे। तो इसे तो मैं रख दूंगी ठंडा होने के लिए, अब हम चलेंगे अपने दूसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में लिए हैं चॉकलेट बिस्किट, मैं यहाँ पे हाइड एंड सीक बिस्किट यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो कोई भी चॉकलेट बिस्किट यूज कर लो। इनको मैं डालूंगी मिक्सर ग्राइंडर के अंदर और इनको पीस लूंगी। तो ये मैंने अपने बिस्किट का चूरा तैयार कर लिया है मिक्सिंग जार में डालकर, आप देख सकते हो बड़ा ही रफली रफली सा चूरा है, आपको चूरा तैयार करना है इसका। और अब हम इसको करेंगे प्लेटिंग या सर्व, हम इसे कैसे सर्व करेंगे वो भी मैं आपको। तो मैंने लिए यहाँ पे शॉट्स वाले 2 ग्लास, और अब मैं इसमें प्लेस करूंगी सबसे पहले बिस्किट का चूरा जो मैंने रेडी करा था, इसको हम इसके अंदर प्लेस करेंगे ग्लासेस के अंदर। ध्यान रखें ग्लासेस बिल्कुल भी गंदे ना हो, और जितना आपको सही लगे आप उतना इसमें प्लेस कर सकते हो। अभी ये ऊपर ऐसा दरदरा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जिससे हम अदरक वगैरह कूटते हैं उससे इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, इसे नीचे इक्वली एकदम सेट कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें सेट कर दिया। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो हमने चॉकलेट का और कॉफी का जो मिक्सर तैयार करा था उसको। तो ये भी ठंडा हो चुका है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, इस चीज को ठंडा करना ज्यादा जरूरी है, अगर आप इसे गरम गरम इन बिस्किट के चूरे के ऊपर डालोगे तो बिस्किट के चूरे को गला देगा और आपकी जो ये डेजर्ट है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो अब मैं इसको इसके अंदर पोर करूंगी। जितनी भी आपको लेयर चाहिए हो उस हिसाब से आप इसके अंदर पोर कर दें इसको, एकदम केयरफुली, ग्लासेस बिल्कुल भी गंदे ना हो वरना अच्छा नहीं दिखेगा ये बिल्कुल। और उसके बाद मैं इसमें सेट करूंगी फिर से ये बिस्किट का चूरा। इक्वली स्प्रेड कर देंगे हर जगह इसको, और बहुत ही हल्का, क्योंकि नीचे तो सॉलिड था तो दबिए आराम से। अब आपको इससे बहुत ही हल्का दबाना है कि नीचे मिक्स ना हो जाए, बिल्कुल हल्के हाथों से कर रही हूं मैं यहाँ पे कि बस एक अच्छी सी लेयर दिखाई दे। तो अभी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं साइड में और गिरूंगी और इसे पूरे में स्प्रेड कर लूंगी इक्वली। ये देखिए, और अब मैं इसके ऊपर सेट करूंगी, मैंने कुछ बादाम का चूरा लिया था उसको, उसकी भी एक लेयर लगा लेंगे। आप चाहो तो बादाम की लेयर को स्किप कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे बादाम थे तो मैं उसकी लेयर भी लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 लेयर सेट करी है। और उसके बाद हम फिर से इस मिक्सर को डालेंगे इसके ऊपर।
ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट को घिस दूंगी ताकि ये और भी अच्छा लगे। और ये देखिए मेरी चॉकलेट पुडिंग एकदम रेडी है। मैं इसी सेम प्रोसेस से दूसरे ग्लास को भी तैयार कर लूंगी और अब हम इनको रखेंगे फ्रीजर के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए। हम इन्हें ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरा चॉकलेट डेजर्ट एकदम तैयार है, चॉकलेट मूज जिसे कहते हैं, या आप चॉकलेट पुडिंग भी इसे कह सकते हैं। देखिए कितना परफेक्ट है। मैंने इसे फ्रीज में 2 घंटे रखा था और उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया। ऊपर से भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये देखिए नीचे से भी कितना खूबसूरत लग रहा है, एक एक लेयर आपको दिखाई दे रही है। बहुत ही टेस्टी होगा ये खाने में, कॉफी और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है। आप मेरी रेसिपी को घर पे जरूर ट्राई करें, बेहद इजी रेसिपी है और डेजर्ट के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिसे आप बना सकते हैं अपने घर पे। ये देखिए कितना खूबसूरत है और चॉकलेट है तो सभी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, आपके गेस्ट भी खाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है।